19 दिसंबर 2023 का पहला एमसीक्यू आपके सामने है साथियों। आपको ये बताना है विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड द इनॉग्रल डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की इनॉग्रल मतलब पहली बार डेल्टा रैंकिंग किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है नीति आयोग, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और लास्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार डेल्टा रैंकिंग निकाली है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के लिए? तो साथियों इसका सही आंसर है नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कि जो डेल्टा रैंकिंग है वो किसने रिलीज़ की है, तो वो नीति आयोग ने रिलीज़ की है। ठीक है, नीति आयोग ने रिलीज़ की है, ध्यान दीजिएगा किसने की है साथियों, नीति आयोग ने रिलीज़ की है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में डेल्टा रैंकिंग रिलीज़ की है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ब्लॉक्स फर्स्ट सेकेंड आए देख लेते हैं। तो तिरियानी ब्लॉक ऑफ कुमारम भीर आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना और कौशाम्बी ब्लॉक ऑफ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक्स रिस्पेक्टिवली इन फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, तो किसने किसने जीता है, तिरियानी ब्लॉक ने और कौशाम्बी ब्लॉक ने जीता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे साथियों, ब्लॉक में टीका लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक में क्या लग रहा है, टीका लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक में टीका लग रहा है। ठीक है, टीका लग रहा है। ठीक है, टी आई से याद रखिएगा तिरियानी ब्लॉक। ठीक है, त्रियानी ब्लॉक कहाँ है, वो भी टी से ही है, तेलंगाना में, और के से याद रखिएगा कौशाम्बी ब्लॉक जो कि है यूपी में। ठीक है, कौशाम्बी ब्लॉक जो कि है यूपी में, इसको सेकंड रैंक मिली है। देखिए बाद में आ रहा है तो ये सेकंड रैंक हो गई इसकी, और टी आई पहले आ रहा है तो टी आई से क्या है, त्रियानी ब्लॉक ये फर्स्ट नंबर पर है डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में। ठीक है, और इनको निकालता कौन है साथियों, तो इनको नीति आयोग निकालता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को कौन रिलीज करता है, तो नीति आयोग रिलीज करता है। इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये टीका वाला आपको जो करंट अफेयर के लिए ट्रिक बताई गई है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लॉक में टीका लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक से क्या याद रखेंगे, ब्लॉक से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग याद रखेंगे। टीका से क्या याद रखेंगे, टी आई पहले आ रहा है तो तिरियाना ब्लॉक जो है नंबर वन पे है, तिरियाना ब्लॉक, और वो कहाँ पे है, तो टी से ही तिरियाना ब्लॉक और टी से ही तेलंगाना, तो ये तेलंगाना में है। और के से याद रखेंगे कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी ब्लॉक कहाँ है, यूपी में है, ये सेकंड नंबर पे, ये बाद में आ रहा है तो ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, एज पार्ट ऑफ एक्सेलरेटेड ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नीति आयोग जो अभी हम लोग ने पीछे देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर थीम अंडर विच सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर मॉनिटर्ड इन पार्टिसिपेटिंग ब्लॉक्स। तो कौन सी मेजर थीम है जो कि मॉनिटर किया जाता है एक्सेलरेटेड ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद जो है ब्लॉक की रैंकिंग्स निकाली जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा वो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि मॉनिटर किया जाता है नीति आयोग की एक्सेलरेटेड ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग में। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट है, आपको ये बताना है कौन सी थीम यूज की जाती है डेल्टा रैंकिंग के लिए एक्सेलरेटेड ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, थर्ड ऑप्शन है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और लास्ट ऑप्शन है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो इन चारों में से कौन सी वो सोशो इकोनॉमिक थीम है जो कि मॉनिटर की जाती है फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स की डेल्टा रैंकिंग के लिए कौन सी जो है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसे मॉनिटर किया जाता है नीति आयोग द्वारा, और साथियों इसका सही आंसर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है मॉनिटर किया जाता है फॉर कंपाइलिंग ऑफ रैंकिंग ऑफ ब्लॉक्स अंडर एक्सेलरेटेड ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ये एक्सेलरेटेड ब्लॉक प्रोग्राम या एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब आया था, तो ये 2023 जनवरी में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कब लॉन्च हुआ था, तो जनवरी 2023 में ये लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, अभी हम लोग ने देखा था, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था। ठीक है, और ये किसकी लाइन्स पे बेस्ड है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के जो लाइन्स है उन पे बेस्ड है। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये 2018 में लॉन्च हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको सपोर्ट किया जाता था, इकोनॉमिक एम्पावर किया जाता था, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उनको एम्पावर किया जाता था। अब इसी का छोटा वर्जन आया है ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें हर एक ब्लॉक को एम्पावर किया जाता है। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, और ब्लॉक में क्या लगता है साथियों, ब्लॉक में टीका लगता है। तो ये रैंकिंग है हमारी टी आई से
टीयागर ब्लॉक और के से कौशाम्बी ब्लॉक, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने ये टीका वाली जो ट्रिक थी अभी हम लोग ने पीछे वाली स्लाइड में देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर ये डेल्टा रैंकिंग जो है डिसाइड की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईच ब्लॉक इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन मॉनिटरिंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अंडर मेजर थीम्स, ठीक है। मेजर थीम्स कौन कौन सी हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एक मिनट साथियों, बस एक मिनट। जी, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो देख रहे थे जिनके अंदर अंतर्गत डेल्टा रैंकिंग कंपाइल की जाती है, उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल डेवलपमेंट है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ब्लॉक में क्या होता है, आपने अभी देखा, ब्लॉक में तो टीका लगता है, ठीक है। ब्लॉक में क्या लगता है? टीका लगता है, ठीक है। और ब्लॉक में क्या होता है? ब्लॉक में साहेब होते हैं, ठीक है। साहेब होते हैं, ठीक है। साहेब से याद रखेगा, साहेब जो है मॉनिटर करते हैं, ठीक है। किसको? ब्लॉक को। मॉनिटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मॉनिटर करते हैं की थीम्स को, ठीक है। तो एस से क्या याद रखेंगे? एस से याद रखेंगे सोशल डेवलपमेंट। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं ताकि चीज़ें आराम से समझ में आए आपको, ठीक है। हर एक चीज़ की ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोशल डेवलपमेंट, एस से क्या है? एस से है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एस, ठीक है, एस हो गया, ठीक है। ए से क्या है साथियों? ए से है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, ठीक है। ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज हमारा ए से हो गया। एस से क्या हो गया? एस से सोशल डेवलपमेंट हो गया, ए से एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज हो गया। एच से क्या हुआ साथियों? एच से हो गया हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया एच से, ठीक है। हम लोग ने एस देखा, ए देखा, एच देखा। ई से क्या है? ई से एजुकेशन है सिंपल, और बी से क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ई से एजुकेशन, बी से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्लॉक में साहेब मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्या करते हैं? तो मॉनिटर थीम्स मॉनिटर करते हैं, ठीक है। थीम्स हम कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग ने साहेब का देख लिया, तो साहेब की ये ट्रिक देख ली। एस से क्या है? एस से सोशल डेवलपमेंट। ए से क्या है साथियों? ए से है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिव। एच से क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन न्यूट्रिशन। ई से क्या है? एजुकेशन। और बी से क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा कि कौन सा जो है की थीम नहीं है या की इंडिकेटर नहीं है या की इंडिकेटर कौन सा है, तो बस आपको साहेब वाली ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। साहेब वाली ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में ये एग्जाम एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। ब्लॉक में साहेब मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या पूछा जा रहा है ये देखिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा अपने सही आंसर के साथ, ठीक है। तो आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द GCTF लॉन्च्ड इन 2015 एम्स टू यूटिलाइज ताइवान स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज टू एड्रेस ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपके सामने, द साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप इन्वॉल्विंग US, इंडिया एंड ताइवान फोकसेज ऑन फॉस्टरिंग ऑपरेशनल एक्सपर्टीज एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, GCTF मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क अलाउज प्रैक्टिशनर्स वर्ल्ड वाइड टू स्ट्रेंथन कनेक्शन अमंग एक्सपर्ट ऑन टॉपिक्स लाइक पब्लिक हेल्थ, सप्लाई चेन्स। और लास्ट में आपके लिए ऑप्शन है, इंडिया इज अ फुल मेंबर ऑफ GCTF अलॉन्ग विद ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है। तो साथियों ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। हालांकि वो पार्टिसिपेट करता रहता है ऑपरेशनल एक्सरसाइज में, पर इंडिया फुल टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ बातें। तो US, इंडिया और ताइवान ने अभी कन्वीन की थी साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप टू फॉस्टर ऑपरेशनल एक्सपर्टीज एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर GCTF। GCTF हम लोग ने देखा ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये जो ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है, ये US और ताइवान ने लॉन्च किया था 2015 में टू यूटिलाइज ताइवान स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज इन एड्रेसिंग ग्लोबल इशूज, ठीक है। ताइवान में बहुत सेमी कंडक्टर्स बनते हैं, जिसके लिए ये इनकी जो है ऑपरेशनल एक्सपर्टीज यूटिलाइज करने की बात हो रही है।
लगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है पर इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ GCTF, तो यही ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फंसा दिया जाएगा कि इंडिया इज अ मेंबर, लेकिन आपको याद रखना है इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ GCTF। ठीक है, GCTF का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप ये याद कर सकते हैं इंडिया की GF नहीं है। ठीक है, इंडिया की GF नहीं है, GF से याद रखेंगे GCTF। ठीक है, GF से याद रखेंगे GCTF। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा ही कुछ सिमिलर सा पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया जो है मेंबर नहीं है GCTF का। कौन कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और ताइवान है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इंडिया के पास GF क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास जूता नहीं है। ठीक है, जूता नहीं है, JUTA, जूता नहीं है इंडिया के पास, इसलिए GF नहीं है। ठीक है, जूता से क्या है, इनके मेंबर्स हैं ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के, जे से जापान, यू से यूनाइटेड स्टेट्स, टी से ताइवान और ए से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया के पास GF क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया के पास जूता नहीं है। जूता कौन है? तो जूता जो है GF के मेंबर्स हैं, GF मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन और ट्रेनिंग एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, लेकिन लास्ट में GCTF ना, तो हम लोग ने जी ए ले लिया और एफ ए ले लिया, इसको बना लिया GF, तो इंडिया के पास GF नहीं है क्योंकि जूता नहीं है उसके पास। ठीक है, तो इंडिया GF का पार्ट नहीं है क्योंकि जूता नहीं है उसके पास। ठीक है, जूता क्या मतलब है यहाँ पे, जो GF के मेंबर्स हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेस प्रोजेक्ट अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना जो है राशि आवंटित की है इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए चेन्नई में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना फंड एलोकेट किया है चेन्नई को इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ₹400 करोड़, लगभग 400.29 करोड़। सेकेंड ऑप्शन है 561.29 करोड़। थर्ड ऑप्शन है 600 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है 700.50 करोड़। ठीक है, तो आपको बताना है कितना करोड़ रुपए दिया गया है चेन्नई को इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर है 561.29 करोड़। ठीक है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो है पैसे एलोकेट किए। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर ऑफ ₹56.29 करोड़ फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसिन। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा चेन्नई में जो है तूफान आया था, वो साइक्लोन मिचुआंग जिसका नाम था, और जिसको नाम किसने दिया है, म्यांमार ने नाम दिया है। ठीक है, म्यांमार ने नाम दिया है, ये हम लोग को पता है, हम लोग ने पुराने करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि 561 करोड़ रुपए इंडिया ने पहली बार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार फ्लड मिटिगेशन, अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। ठीक है, अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए कितना दिया है, 561 करोड़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर दिया है, तो चेन्नई में दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्बन फ्लड को चैन नहीं है। ठीक है, अर्बन फ्लड को क्या नहीं है, चैन नहीं है। ठीक है, अर्बन फ्लड को क्या नहीं है, चैन नहीं है, तो चैन से याद रखिएगा, चैन नहीं मतलब चैन नहीं। ठीक है, अर्बन फ्लड को चैन नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए 561 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एलोकेट किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अर्बन फ्लड क्या नहीं है, अर्बन फ्लड को चैन नहीं है, इसलिए 561 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच इंडियन स्टेट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल एनुअली हेल्ड? तो किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल सालाना मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड और लास्ट ऑप्शन है मेघालय। तो इन चारों में से कहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में हर बार हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हर साल जो है सेलिब्रेट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे होता है ये, तो ये कैसे याद रखेंगे, ना हॉर्न बजाओ। ठीक है, ना हॉर्न बजाओ, हॉर्न से हॉर्न मतलब हॉर्नबिल। ठीक है, ना से नागालैंड, ना हॉर्न बजाओ। ठीक है, ना हॉर्न बजाओ। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ना से क्या है नागालैंड, हॉर्न से क्या है हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो नागालैंड में किया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं, ना हॉर्न, ठीक है,
ना हॉर्न बजाओ, ठीक है, ना हॉर्न बजाओ। ना से क्या है, ना से नागालैंड है, और हॉर्न से क्या है साथियों, हॉर्न से हॉर्नबिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू इम्प्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक्स एफिशियंसी। तो इंडिया की लॉजिस्टिक्स एफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, और लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ ये पार्टनरशिप की है। ठीक है, किसने किया साथियों, वर्ल्ड बैंक ने ये पार्टनरशिप की है। ठीक है, याद रखिएगा किसके साथ की है, DPIIT की जो पार्टनरशिप है वर्ल्ड बैंक के साथ है। किसके लिए है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव करने के लिए ये की गई है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं विल, ठीक है, विल से याद रखेंगे, W से वर्ल्ड बैंक है, I से इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, और L से क्या है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, WIL, ठीक है, WIL, ये ट्रिक याद रखिएगा, WIL, विल। ठीक है, विल से क्या है, वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है किसने, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, किस चीज़ के लिए, एल के लिए, मतलब लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे बहुत लंबी सी थीम दी गई थी, इसलिए हमने इसमें क्वेश्चन नहीं फॉर्म किया है, आपको एक बार बता देते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ग्लोब ऑन 9th of December। तो 9th of December को इतना लंबा चौड़ा नाम, जो भी चीज़ है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी एंड विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम क्या है, अ लिविंग फोर्स इन वर्ल्ड सोसाइटी द लेगेसी ऑफ 1948 कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड। ठीक है, जो डे है वो भी इतना लंबा है, और जो थीम है उनकी वो भी इतनी लंबी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप थोड़ा सा गेस वर्क करके अपना काम बना लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वॉट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रेस टू रेजिलियंस ग्लोबल कैंपेन। तो प्राइमरी गोल क्या है रेस टू रेजिलियंस ग्लोबल कैंपेन का, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एनहैंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड ऑप्शन है बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन अर्बन एरियाज, थर्ड ऑप्शन है प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन कंसर्न्स। ठीक है, तो रेस टू रेजिलियंस ग्लोबल प्रोग्राम जो है इसका प्राइमरीली गोल क्या है, आपको ये बताना था, और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन अर्बन एरियाज। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है। इंडिया कहाँ पे है अभी, आपको पता होगा एनुअल क्लाइमेट समिट में जो दुबई में की जा रही है। ठीक है, हम लोग ने कल ये भी देखा था कि नेक्स्ट टाइम कहाँ पे सेलिब्रेट की जाएगी समिट, एनुअल क्लाइमेट समिट कहाँ पे होस्ट की जाएगी। तो हम लोग ने देखा था कल के वाले वीडियो में कि क्लाइमेट को लेकर अब ज़्यादा बकबक नहीं होगी भाईजान। ठीक है, क्लाइमेट को लेकर बकबक नहीं होगी भाईजान। ठीक है, बकबक नहीं होगी भाईजान, ये हम लोग ने देखा था पिछले कल के वीडियो में। ठीक है, नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिए, उसमें भी कई करंट अफेयर्स की ट्रिक्स बताई गई हैं जो कि आसानी से आपको चीज़ें रिटेन करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो बकबक से क्या था, बाकू, बाकू की कैपिटल, बाकू किसकी कैपिटल है, तो भाईजान की, अज़रबैजान की। तो एनुअल क्लाइमेट समिट नेक्स्ट जो COP29 है वो कहां होगा, तो बाकू अज़रबैजान में। ये चीज़ें हम लोग ने कल के जो है लेक्चर में देखी थी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो इंडिया ने यहाँ पे ही ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस का रेस टू रेजिलियंस ग्लोबल कैंपेन। ये क्या करेगा, ये करेगा बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनके लिए रेजिलियंस बिल्ड करेगा, उनके लिए क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डअप करेगा। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम, तो रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, किसका है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड रेस। ठीक है, यूनाइटेड रेस, ठीक है, यूनाइटेड रेस,
ठीक है, रेस को हमेशा सारी ह्यूमैनिटी की जो रेस है उसको यूनाइटेड रहना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड से याद रखेंगे, ये जो रेस टू रेजिलियंस कैंपेन है ये यूनाइटेड नेशंस की इनिशिएटिव है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि रेस टू रेजिलियंस जो है किस ऑर्गेनाइजेशन की इनिशिएटिव है, फिर आपको ऑप्शन दे दिए हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस। तो आपको याद रखना है कि रेस हमेशा यूनाइटेड रहनी चाहिए, तो यूनाइटेड नेशंस जो है रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम जो है होस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को एनहांस, उनकी रेजिलियंस एनहांस करेगा और अर्बन एरियाज़ में भी ये अपना काम करेगा, ठीक है साथियों। और ये कब आया था, ये 2020 में आया था, रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम, और इंडिया ने अभी हाल ही में ज्वाइन कर लिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन फॉर UVAI इनिशिएटिव। तो UI इनिशिएटिव के लिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट कर रही है, आपने ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है बी गूगल, थर्ड ऑप्शन है इंटेल इंडिया, और लास्ट ऑप्शन है आपका IBM, ठीक है। तो कौन कोलैबोरेट कर रहा है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ फॉर UI इनिशिएटिव, ठीक है। तो UI इनिशिएटिव पहले देख लेते क्या है, अच्छा इसका आंसर देख लेते पहले, तो इसका आंसर है इंटेल इंडिया, ठीक है। इंटेल इंडिया जो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ UI इनिशिएटिव के लिए पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है। UI क्या है, तो यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, ठीक है। तो अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही वीडियो में चर्चा की थी कि AI की ग्लोबल AI समिट हो रही है इंडिया में, ठीक है, ग्लोबल AI समिट हो रही है, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है इंडिया में, ठीक है। GPAI समिट, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ठीक है। हम लोग ने पुराने वाले वीडियोस में देखा था आपने कि ये 2020 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, और 2024 में इंडिया इसका लीडिंग चेयर हो जाएगा, ठीक है, लीडिंग चेयर हो जाएगा 2024 में, ठीक है। किससे ये तो ये 2024 में ये लीडिंग चेयर हो जाएगा, जिसके चलते जो है इंडिया ने होस्ट किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी में ये इनिशिएटिव आया है, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, ठीक है। तो जो भी यूथ हैं, जो भी युवा लोग हैं, उनको AI से इंटीग्रेट किया जाएगा, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल्स हैं, उसको AI से एनहांस किया जाएगा। तो इसी के लिए UI इनिशिएटिव आया है, ठीक है। और याद रखिएगा किसकी किसकी इनिशिएटिव है ये, तो ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मतलब मीटी की है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंटेल इंडिया की, ठीक है। तो लास्ट में आई है, तो याद रखिएगा इंटेल इंडिया, ठीक है, IBM से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा UVAII, ठीक है, UVAII, ठीक है, II से क्या याद रखेगा, इंटेल इंडिया, ठीक है, ताकि आप IBM से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कौन सी इनिशिएटिव है, UVAII, ठीक है, II याद रखिएगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको एक करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। इंटेल इंडिया के साथ NEGD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है कोलैबोरेट कर रही है फॉर UI इनिशिएटिव, ठीक है। UI आप कैसे याद रखेंगे, UVAII, ठीक है, II जो लास्ट में है वो इंटेल इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप IBM से कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन नवंबर हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंपेयर टू नेशनल एवरेज, ठीक है। तो नवंबर में कितनी स्टेट्स में, कितनी भारतीय राज्य में मुद्रा दर की स्फीति ज़्यादा थी नेशनल एवरेज से, ठीक है, नेशनल एवरेज से एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा था, आपको कितनी स्टेट्स में ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 9, और लास्ट ऑप्शन है 10। तो साथियों 9 स्टेट्स में जो है हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन विटनेस किया है कंपेयर टू नेशनल एवरेज, ठीक है। नेशनल एवरेज जो नवंबर में था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो 5.55% था, ठीक है, पर 9 स्टेट्स में इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन था, ठीक है, 9 स्टेट्स में। सबसे ज़्यादा देख लेते हैं कहाँ पे था, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में था 7.65% पे, फिर राजस्थान में था 7%, फिर हरियाणा में था 6.8%, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे होगा नवंबर में, तो उड़ीसा में था, ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा में था, ठीक है। और नवंबर में कितनी स्टेट्स ने नेशनल एवरेज के ऊपर इन्फ्लेशन रेट फिटनेस किया है, तो 9, ठीक है, तो N से ही नवंबर है और N से ही 9 है, ठीक है। तो याद रखिएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी स्टेट्स में ज़्यादा है नेशनल एवरेज से, तो N से ही नवंबर है और N से ही 9 है, तो 9 स्टेट्स में, ठीक है। तो और नवंबर का एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था, तो 5.55, ठीक है, 5.55
जो कि रोज किया था बाय सेम परसेंट सेम पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है। तो जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन रोज बाय 5.5% कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब नवंबर 2022 में से ज़्यादा 5.5% की वृद्धि हुई है मुद्रा दर की मुद्रास्फीति में, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, ये नवंबर और नाइन वाले ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु वॉज ऑनर्ड एट एनुअल दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स फॉर देयर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टू शेपिंग अ मोर परफेक्ट पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड। तो आपको ये बताना है छोटे में कि दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड किसको दिया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है बान की मून जो कि फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल थे, थर्ड ऑप्शन है एंटोनियो गटेरस जो कि करेंट यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल हैं, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए मलाला यूसुफजई जो कि नोबेल पीस प्राइज लॉरेट हैं, ठीक है। तो इन चारों में से दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स किसको दिया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, बान की मून साहब को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स दिया गया है, ठीक है। इनके साथ साथ तीन और डिस्टिंग्विश डिप्लोमैट्स को ये दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स दिया गया है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी माना जाता है, ठीक है, विच इज सेलिब्रेटेड फॉर देयर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टू शेपिंग अ मोर परफेक्ट पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड। तो याद रखिएगा दिवाली पे सब बैन हो जाता है ना, दिवाली पे पटाखे बैन हो जाते हैं, ठीक है। तो बैन से याद रखेंगे बान की मून, ठीक है। तो दिवाली से याद रखिएगा दिवाली पे सब चीज बैन होने लग जाती है, पटाखे बैन होने लग जाते हैं, तो याद रखिएगा बान की मून जो है, बान की मून फॉर्मर यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल, उनको दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स मिला है, ठीक है। और इनके साथ साथ तीन और लोगों को मिला है, तो याद रखिएगा इनमें तीन लेटर है ना, देखिए 1, 2, 3, ठीक है। तो तीन और लोगों को मिला है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, बान की मून, ठीक है। तो तीन और लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बान की मून, ठीक है। दिवाली पे क्या होता है, सब बैन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, आप ऐसे ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, थीम बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो व्हाट इज द थीम फॉर 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वड ऑन ह्यूमन राइट्स डे 2023, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स डे 2023 की थीम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है पीस एंड हार्मनी, थर्ड ऑप्शन है फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए ग्लोबल सॉलिडैरिटी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा ह्यूमन राइट्स डे 2023 की थीम है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स डे हम लोग एनुअली सेलिब्रेट करते हैं कब, 10th of December को, ठीक है, 10th of December को, और इस बार की थीम है साथियों फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, फ्रीडम इक्वालिटी और जस्टिस, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के तीन पिलर्स हैं, क्या क्या, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन राइट का सबसे जो तीन पिलर है वही इस बार की थीम है, ठीक है। क्या क्या पिलर है, फ्रीडम इक्वालिटी जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्पोर्ट ब्रांड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ माइक्रोचिप इन ऑफिशियल बॉल फॉर यूरो 2024। तो यूरो 2024 में किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस कर दी है ऑफिशियल बॉल में, यूरो 2024 की ऑफिशियल बॉल में किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस कर दी है, आपने ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नाइकी, सेकेंड ऑप्शन है पूमा, थर्ड ऑप्शन है एडिडास, और लास्ट ऑप्शन है अंडर आर्मर। तो इन चारों में से जिस स्पोर्ट ब्रांड ने माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस की है उसका नाम है एडिडास, ठीक है। एडिडास ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है ऑफिशियल बॉल में माइक्रोचिप फॉर यूरो 2024, जो कि रेफरीज की मदद करेगा हैंडबॉल डिसीजंस लेने में, ठीक है, हैंडबॉल डिसीजन लेने में रेफरी की मदद करेगा ये माइक्रोचिप, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो एडिडास ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, याद रखिएगा एडिडास ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ई से कैसे याद रखेंगे, ई के पहले कौन सा वोवल आता है, ए, ए से रखेंगे नाम याद, ए से एडिडास, ठीक है, एडिडास, ठीक है, और कोई इतना बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं है, ठीक है, एडिडास ने ये इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है साथियों। किसने तो आप याद रखेंगे यूरो 24 में बॉल यूज होगी, या अगर आपको बॉल से याद रहेगा तो बी से पहले ए आता है, ठीक है, बी से पहले क्या आता है, ए, तो ए से एडिडास ने ये माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस की है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन कंपनी हैज वन
टू सिल्वर अवार्ड्स एट ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2023। तो किस भारतीय इंस्टीट्यूशन ने, भारतीय ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय कंपनी ने ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस पे टेक्नोलॉजी अवार्ड्स को जीता है, आपको ये बताना है, ठीक है। दो ठो सिल्वर अवार्ड्स मिले हैं उसको, ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, सेकेंड ऑप्शन है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो किसने ये अवार्ड जीता है ब्रैंडन हॉल ग्रुप में, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है NTPC ने, ठीक है। NTPC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ठीक है, उन्होंने ही, जो महारत्न भी है, उन्होंने ही, NTPC ने ही जो है ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस में दो सिल्वर अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है। कौन कौन से अवार्ड्स हैं, बेस्ट एडवांस इन कॉरपोरेट वेलबींग टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट एडवांस इन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो NTPC ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। कहाँ, कौन सा अवार्ड जीता है, तो ब्रैंडन हॉल वाला अवार्ड जीता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे कि हॉल ना नीट होना चाहिए, ठीक है। हॉल क्या होना चाहिए, जो हॉल होना चाहिए, जो लिविंग स्पेस है वो नीट होना चाहिए, NT होना चाहिए, ठीक है, नीट होना चाहिए। हॉल क्या होना चाहिए, नीट होना चाहिए। तो NT से याद रखेंगे NTPC, ठीक है, और हॉल से क्या याद रखेंगे, ब्रैंडन हॉल अवार्ड, ठीक है। दो अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, एक तो कॉरपोरेट वेलबींग टेक्नोलॉजी के लिए मिला है और एक ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। फिर से देख लेते हैं, तो हॉल दिया है ना, ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड, तो हॉल दिया है, तो हॉल में हम लोग रहते हैं, तो हॉल जहां रहते हैं वहां नीट होना चाहिए ना, वो NT, ठीक है। NT से याद रखेंगे, NTPC ने क्या किया, सिक्योर किया है दो सिल्वर अवार्ड्स इन द कैटेगरीज ऑफ बेस्ट एडवांस इन कॉर्पोरेट वेलबींग टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट एडवांस इन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन विच रिसेंटली स्ट्रक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो कौन सा साइक्लोन है जिसको ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया में विटनेस किया गया है, ऑस्ट्रेलियन रीजन में, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है साइक्लोन एलेक्स, सेकेंड ऑप्शन है ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर, थर्ड ऑप्शन है टाइफून मारिया, और लास्ट ऑप्शन है हरिकेन माइकल, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया में विटनेस किया गया है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर जो है इसका, ये 2023-2024 में ये पहला ऐसा साइक्लोन था जिसको नाम दिया गया था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये रैंकिंग होती ना, तो ये रैंकिंग 2023-24 की रैंकिंग में, 2023-24 के रैंकिंग में ये पहला नाम था जिसको नाम दिया गया था, मतलब ये पहला साइक्लोन था जिसको नाम दिया गया था। और ये कहाँ आया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया है, ठीक है। क्या नाम है, जैस्पर, कहाँ आया है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो कई लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं अस्त्रालय, ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ पर अस्त्रालय है, ठीक है, जैस्पर अस्त्रालय है, ठीक है, याद रखिएगा जैस्पर जहाँ पर अस्त्रालय है वहाँ पर साइक्लोन आया, ठीक है। जहाँ पर याद रखेंगे जैस्पर, और अस्त्रालय से याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई आजकल हम रील्स देखते हैं उसमें ये बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया पुराने जमाने में अस्त्रालय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हमें ये तो नहीं पता ये कहां तक ठीक है, पर हम इसको अपनी जो है प्रिपरेशन में यूज करके मार्क्स एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जहां पर अस्त्रालय है वहां पे साइक्लोन आया है, ठीक है। जहां पर क्या है, मतलब जैस्पर, जो साइक्लोन जैस्पर है, और कहां पे आया है, अस्त्रालय में, ठीक है। अस्त्रालय मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये आया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी केयर, ठीक है। तो 2023 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसके लिए, किसको मिला है फॉर कंट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी केयर। लेप्रोसी केयर में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको दिया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर अतुल शाह, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेश कुमार, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर प्रिया पटेल, और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर संजय सिंह, ठीक है। तो लेप्रोसी केयर के लिए रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है डॉक्टर अतुल शाह, ठीक है। डॉक्टर अतुल शाह जो कि प्लास्टिक सर्जन है, इनको ऑनर किया गया है 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी केयर, ठीक है। लेप्रोसी केयर के लिए किसको अवार्ड मिला है, तो डॉक्टर अतुल शाह को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, तो रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, रीच
रीच एट लेप्रोजी, ठीक है, रीच एट लेप्रोजी ये याद रखिएगा, ठीक है, रीच एट लेप्रोजी, ठीक है। तो रीच से याद रखेंगे रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड, एटी से क्या याद रखेंगे डॉक्टर अतुल शाह, ठीक है, यहाँ पे देखिए एटी शुरुआत में है ना, तो हम लोग ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है, एटी, ठीक है, अतुल शाह, ठीक है, डॉक्टर अतुल शाह को ये अवार्ड मिला है किसके लिए, लेप्रोजी केयर के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या याद रखेंगे हम लोग, रीच एट लेप्रोजी, ठीक है, रीच एट लेप्रोजी, ठीक है, रीच एट लेप्रोजी, ठीक है, रीच एट लेप्रोजी ये याद रखिएगा, यही ट्रिक है, ठीक है, रीच एट लेप्रोजी, ठीक है। एट से क्या है साथियों, अतुल शाह, डॉक्टर अतुल शाह जिनको अवार्ड मिला है, किसमें किसका अवार्ड मिला है, तो रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड, किस फील्ड में मिला है, तो लेप्रोजी केयर में ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अतुल शाह को रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है पर किस फील्ड में मिला है, तो आपको याद रखना है रीच एट लेप्रोजी, तो लेप्रोजी केयर में ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अतुल शाह को किसका अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा एट कहाँ होना है, तो रीच एट लेप्रोजी, ठीक है, तो याद रखिएगा रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है, ठीक है साथियों। कहीं से भी पूछेगा आपको बहुत आसानी से बता देना है, ठीक है, इस ट्रिक के बाद बहुत आसानी से आप जो है एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन 2023 विच कंट्री हैज इमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम सरपासिंग अफगानिस्तान। तो आपको ये बताना है साथियों कि वो कौन सा देश बना है जिसने कि अफगानिस्तान को पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करने, अफीम को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री बनी है, कौन सा देश बना है, आपको ये बताना है, ठीक है। किसको सरपास किया है, तो अफगानिस्तान को सरपास करके, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों आपके ऑप्शंस हैं इसके लिए, पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, चलिए तो गलती हो गया, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है कोलंबिया और लास्ट ऑप्शन है मेक्सिको। तो इन चारों में से, अब इन तीनों में से, क्योंकि अफगानिस्तान को तो पीछे ही छोड़ दिया है, तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी कंट्री है जो कि अफीम प्रोड्यूस करने वाली, जो अफीम का सोर्स करने वाली सबसे बड़ी कंट्री बनी है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जो है, म्यांमार हैज इमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम, ओपियम मतलब क्या होता है, अफीम, ठीक है। तो अफीम प्रोड्यूस करने वाली या अफीम सोर्स करने वाली सबसे बड़ी कंट्री बनी है, सबसे भारी मात्रा में अफीम देने वाली म्यांमार बनी है, किसको पीछे छोड़ा है, तो अफगानिस्तान को पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, मियां मर जाओगे अफीम चाटने पर, ठीक है, ठीक है, अफीम चाटने पर मियां मर जाओगे, ठीक है, अफीम से क्या है ओपियम, ठीक है, अफीम क्या है ओपियम, मियां मर जाओगे मतलब म्यांमार, ठीक है, ये देखिए ये मियां मर जाओगे, ठीक है, मियां मर जाओगे अफीम चाटने पर, ठीक है। और जिसने अफीम चाटी थी वहां आफत आ गई थी, ठीक है, जिसने भी अफीम चाटी वहां आफत आ गई थी, आफत से याद रखिएगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान को पीछे छोड़ के कौन आए हैं, मियां मर जाओगे, ठीक है, मियां मर जाओगे अफीम चाट के, ठीक है, क्योंकि अफीम के बाद क्या आती है, आफत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने दोनों ही चीज़ देख ली, देख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए ट्रिक, मियां मर जाओगे अफीम चाट के, ठीक है, ये ट्रिक हो गई यहाँ तक की, ठीक है, अफीम चाट के, ठीक है, क्योंकि क्या होगा उसके बाद बहुत आफत आ जाएगी, ठीक है, आफत आ जाएगी, ठीक है, आफत आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा अफीम सोर्स कहाँ से हो रहा है, तो याद रखिएगा मियां मर जाओगे, मियां मर से क्या याद रखेंगे, म्यांमार, ठीक है। आपको पूछेगा कि किसको सरपास किया है, तो आफत कहाँ आई है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आफत, ठीक है, आपस में करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब सिमिलर साउंडिंग है, तो आफत से याद रखिएगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो मियां मर जाओगे अफीम चाट के, क्योंकि आफत आ जाएगी, ठीक है, तो मियां मर जाओगे पहले है, तो मियां मर जाओगे नया जो है सेंटर बना है, नई कंट्री बनी है जहाँ पर सबसे भारी उत्पादन हो रहा है अफीम का, ठीक है। और किसको पीछे छोड़ा है, तो आफत को पीछे छोड़ा है, आफत मतलब अफगानिस्तान, ठीक है साथियों। आशा करते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आई होगी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इज सेट टू रिसीव पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिलेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शाहरुख खान, सेकेंड ऑप्शन है जावेद अख्तर, थर्ड ऑप्शन है ऐश्वर्या राय बच्चन और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए अमिताभ बच्चन। तो इन चारों में से किसको पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है जावेद अख्तर, ठीक है, जावेद अख्तर साहब को क्या मिलेगा, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फेस्टिवल, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पानी
पानी जा, ठीक है, पानी पे जा, ठीक है, पानी पे जा, ठीक है, पानी से याद रखेंगे पदम पानी, वैसे तो आपको याद ही हो जाएगा, पर इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो याद रखना, ठीक है, पानी पे जा, ठीक है, पानी पे जा, जा से याद रखेंगे, जे ए से याद रखेंगे जावेद अख्तर साहब, और पानी से याद रखेंगे पदम पानी, ठीक है, पदम पानी, ठीक है, पदम पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है साथियों, तो जा को मिला है, जा से जावेद अख्तर साहब को, ठीक है साथियों। आशा करते हैं करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों ये पूरा आपके लिए सेशन लाया था जनरल स्टडीज ट्रिक्स की तरफ से, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो स्टैटिक चीज़ें थी वो समझ में आई होंगी, जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं वो समझ में आए होंगे, और सबसे खास बात जो आपको ट्रिक्स दी गई है वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। इसी आशा के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए साथियों खूब मेहनत करते रहिएगा, हम लोग जल्दी मिल और जल्दी सफल होइएगा, इसी आशा के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।